था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईयू की साझेदारी का वैश्विक समुदाय के लिए एक साथ मिलकर काम करना संकट की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कोविड 19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी बड़ी चुनौतियां भी भारत की प्राथमिकता हैं। यूरोपीय निवेश और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक को लेकर ईयू की संभावनाओं का भी जिक्र हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश के मुद्दों पर भी बात हुई। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि भारत और ईयू ऐसे लोकतंत्र हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग के बढ़ावे पर बल दिया। इंडिया एंड द ईयू आर ग्रेट डेमोक्रेसीज, वी शेयर कॉमन वैल्यूज। We also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships, but is also a stable, structured, essential partnership, a structural partnership. This is how we see it. सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत और ईयू ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग और शोध के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड 19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था।